Hello friend. Okay, in the previous slide we have studied about the physical quantity. Now we have the types of physical quantity. Physical quantities are of two types: fundamental physical quantity and second one is the derived physical quantity. Okay, fundamental physical quantity and derived physical quantity. So what are the fundamental physical quantity? First we will study about the fundamental physical quantity. The quantity which does not depend on the quantities. Which does not depend on any quantity are called fundamental physical quantity. Those quantity which does not depend on any quantity, okay, which is independent, okay. यहाँ पे आपने लिखा है which does not depend, you can also write the independent. तो वो quantities जो किसी दूसरी quantity पे depend ना करे, those quantity which does not depend on any other quantity are known as the fundamental physical quantity, okay. There are seven types of physical fundamental physical quantity. There are seven types of fundamental physical quantities. First is the length. Okay, so हम seven क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. तो इसमें जो पहली है वो है लेंथ. ओके, अब लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ. जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां तक आपको लेंथ निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ. सो व्हाट यू विल टेक द टेप एंड यू विल डायरेक्टली मेजर. आप इसको क्या करोगे, मेजर कर लोगे. या मैंने बोला आपको इसका, आपको क्या निकालना है, इस रूम की लेंथ निकालना है, आप लेंथ निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ. ठीक है, तो अब ये जो लेंथ आपने निकाली, इस बोर्ड की आपने लेंथ निकाली, टेबल की लेंथ निकाली, तो ये लेंथ किसी पे डिपेंड करी, किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करी? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी. आपने तो सीधे क्या करा, डायरेक्टली लेंथ निकाली. तो लेंथ क्या हो गया यहाँ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ओके, देन सेकंड हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड मास. You know what is the mass? The amount of matter present in a body is known as the mass. अब आपको mass निकालना है, किसी भी चीज का mass निकालना है, जैसे मान लो ये object AC का mass निकालना है, तो what you will do? You will directly put into the physical balance. आप इसको क्या करेंगे, directly physical balance में put कर देंगे. और क्या बता देगा, उसका mass बता देगा. अब mass निकालने के लिए कोई quantity हमने use करी, कोई other quantity use करी नहीं करी, तो mass क्या हो गया यहाँ पे, तो mass will be the यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. देन थर्ड वन इज द टाइम. अब टाइम किस पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं करता. वी नो दैट टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम पे तो सारी क्वांटिटी डिपेंड करती है. जैसे आपने पढ़ा था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब टाइम पे डिपेंड कर रही है, लेकिन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. टाइम क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है, इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. देन फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन करा था, द नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर. अपनी टेंथ जब हमने पढ़ी थी तो उसमें अपने कैसे डिफाइन करा था करंट का, the number of electrons or number of charges passing through the cross section area of the conductor. So jitne charges pass honge, jitne charges pass honge utna hi kya hoga, electric current hoga. So electric current kisi dusri quantity depend kar raha hai, nahi kar raha. So yahan pe electric current jo ho gaya, that is the fundamental quantity, jo kisi quantity pe depend nahi kar raha. So pehli aapka length, mass, time. 11th mein hum ye teen quantities ka zyada use karenge. Okay, लेंथ का, मास का, टाइम का, इनका यूज हम ज्यादा करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको 12th में ही नहीं,
सॉरी 11th में नहीं है, यू विल स्टडी 12th. ओके नाउ द फोर्थ फिफ्थ देन इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर. Now what is the temperature? It is a measurement of heat. Temperature is what? It is a measurement of heat. How the heat is there, how much heat is there, or how the heat is changing, that all about the temperature. So अब आपको temperature निकालना, जैसे इस room का temperature निकालना है. How can you calculate temperature? तो आप temperature निकाल सकते हैं. आपने क्या किया, directly thermometer लिया और thermometer से देखा कि temperature, आज का जो room temperature है कितना है, 30 या बॉडी, या बॉडी का टेम्परेचर पता करना है. ठीक है, तो आजकल जिसे आप देख रहे हो थर्मल स्कैनर, थर्मल स्क्रीन आ गए हैं, उससे पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है. अब वो जो टेम्परेचर आपने निकाला वो किस पे डिपेंड करा, किसी पे डिपेंड नहीं करा. आपने क्या करा, डायरेक्टली थर्मोमीटर लिया, उससे बता दिया कि ये जो है टेम्परेचर. ठीक है, या आप खुद ही अंदाजा लगा लेते हो कि आज जो है हॉटनेस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हो सकता है आज का जो टेम्परेचर होगा ये 40 डिग्री होगा या 42 डिग्री. So temperature is the temperature depend on any other quantity, no? Temperature does not depend on any other quantity. So temperature kya hua? That is the fundamental quantity. Okay, so that is the fifth. Then sixth one, you have amount of substance. Temperature will be represented by T. Amount of substance. इसको हम represent करते हैं small n. या कई बुक में इसको म्यू से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, या उसके एटॉमिक मास में या एटॉमिक वेट में कितना मैटर है. ओके, जैसे आपने एवोगाड्रो केमिस्ट्री में एवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा, मोल पढ़ा होंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. तो उसमें अगर आपको जैसे वाटर है, तो वाटर का अगर आपको एटॉमिक मास निकालने को बोला जाए, तो आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो वाटर का. H2O है, तो H2O कितना आएगा, इट विल बी 18 ग्राम. अब 18 ग्राम में कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कितना उसका नंबर ऑफ मोल्स है, तो दैट यू कैन कैलकुलेट. एवोगाड्रो नंबर यूज करके कर सकते हो. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेसिकली हाउ मच इज द मैटर, हाउ मच इज द अमाउंट प्रेजेंट इन द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए आपको ओनली काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसी भी चीज़ में मैटर कितना है, किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. वो क्या हो गया, इंडिविजुअली. तो क्या हो गया यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई. तो इसके बारे में आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ोगे. ठीक है, फिजिक्स में आपको कम दिया हुआ है. देन लास्ट वन यू हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी. Luminous intensity, that you will represent by small i. Okay, that you will represent by small i, or mostly it is not, it is represented in feet. Luminous intensity small i se bhi represent kiya jata hai, aur basically ye represent kiya jata hai, it is represented by cd. cd jo hai wo iski unit hai, to isko usse se represent kiya jata hai. Now what is this luminous intensity? It is the intensity of light. ठीक है, intensity of light means कि how much the intense light you have. Basically light जो होती है, सामने टाइम में पढ़ा, light क्या होती है, it is the number of photons. Okay, number of photons. Light has dual nature, particle nature and wave nature. So luminous intensity क्या होती है, कितने photons आ रहे हैं, जितने number of photons बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी. ओके, जैसे आफ्टरनून टाइम पे जो इंटेंसिटी होती है, सनलाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अर्थ तक आते हैं उस तरह. तो हम ये कह सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज़ द इंटेंसिटी, जैसे आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मास, जितना मास ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. उसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है जिसमें जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, देयर इंटेंसिटी विल बी मोर. अब
ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या पता करना है कि कितने फोटॉन्स, हाउ मच इज द फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है, यू कैन काउंट इट डायरेक्टली। तो इसलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेवंथ में अभी आपको नहीं आएगा, ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत आपको आएगा जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये जो सेवन क्वांटिटीज होती है, दिस ऑल दिस आर सेवन क्वांटिटीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी द ड्राइव क्वांटिटी। ओके, थैंक यू।